बाबाओं और बलात्कार का पुराना नाता रहा है। भारत में तथाकथित बाबाओं की फैन फॉलोइंग के आगे बॉलीवुड भी पानी भरता है। जितने प्रसिद्ध बाबा उतनी ही तगड़ी इनकी राजनीतिक पहुंच। इस पहुंच प्रशंसकों के हुजूम, अपार संपत्ति और रुतबे के नीचे अक्सर कई घिनौने अपराध पनपते हैं। कई बार ये छुपे रह जाते हैं और कभी सामने आते हैं तो बवाल मचाते हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना की लुकवासा चौकी क्षेत्र के भाटी सरकार हनुमान मंदिर के महंत के ऊपर एक 11वीं कक्षा की दिव्यांग छात्रा के साथ मंदिर परिसर में दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। इसका खुलासा दिव्यांग छात्रा के गर्भवती होने के बाद लगा। दिव्यांग छात्रा को महंत ने धमकी भी दी थी, जिसके चलते छात्रा चुप थी। 19 वर्षीय छात्रा के मुताबिक नवंबर दिसंबर 2023 के महीने में भाटी सरकार हनुमान मंदिर में वो सुबह 7 बजे जल चढ़ाने गई थी। उसी समय मंदिर में महंत राम किशोर दास उर्फ ब्रिजेश शर्मा ने उसे पकड़ लिया और कमरे के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही इसके बाद महंत ने छात्रा को धमकी दी कि वो अगर इस बारे में किसी को बताएगी तो वो उसके पिता को जान से मार देगा। अभी कुछ दिन पहले ही युवती के पेट में तेज दर्द हुआ तो परिजन उसे अशोक नगर जिले में इलाज कराने ले गए, जहां पता चला कि युवती 8 महीने की गर्भवती है। अब यहां सवाल ये है कि 8 महीने के गर्भ का घर में पता कैसे नहीं चला। खैर, छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने महंत के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जब पुलिस मंदिर में पहुंची तो पता चला कि महंत जी 1 महीने से ही लापता हैं। फिलहाल महंत की तलाश जारी है। पुलिस को महंत के कमरे में तलाशी के दौरान BSF का कार्ड भी मिला है, जिसमें महंत की जवानी के दिनों का फोटो लगा हुआ है और उस कार्ड में महंत का नाम भी लिखा है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कार्ड असली है या नकली। जो वोटर कार्ड मिले हैं उससे पता लगता है कि महंत नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला है और पिछले 5 साल से इस मंदिर में महंत था। महंत ने कई नेताओं और अधिकारियों के सहयोग से मंदिर परिसर में लाखों रुपए का निर्माण कार्य भी करवाया था। ये लुकवासा चौकी का मामला है। यहाँ पर एक गांव है लुकवासा चौकी के क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पर एक रामकिशोर दास शर्मा और ब्रजेश शर्मा जो बाबा बन के लगभग 4-5 साल से रह रहा था, उसने एक नाबालिग बच्ची तो नहीं कहेंगे 19 साल की है, उसका दुष्कर्म किया है और वो गर्भ से भी है 7-8 महीने के से। उसने आज हमें रिपोर्ट करी है तो हमने एक FIR पंजीबद्ध कर दी। 7-8 महीने से बच्चा गर्भ से था तो परिजनों को उसका पता नहीं चल सका सर? हमें तो यही बताया गया है कि हमें पता नहीं चला था और लगभग 10-15 दिन पहले उन्होंने शायद कहीं चेक भी करवाया था, उसके बाद उन्हें कंफर्म हो गया था। तो घटना कहाँ की है सर? ये किस जगह? लुकवासा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की। तो बाबा ने कहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म किया? कहीं ले जाके किया उसी स्थान? मंदिर में ही दुष्कर्म किया था उसके। बाबा गिरफ्तार हुआ सर? बाबा की हम पतारसी कर रहे हैं, बाबा कहीं भाग गए पर हम जल्द उसको गिरफ्तार करें। सर बताया जा रहा है कि काफी महीने से लापता है बाबा, तो इस स्थान से बाबा लगभग 1.5 महीने से वहां से लापता है और बिना किसी को कुछ बताए वहां से चले गए। अरे सर, क्या किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 376 के अंतर्गत मामला।